नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग में। सबसे पहले एक अहम खबर सूरजपुर से, जहां हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के मकान पर बुलडोजर चला है। भारी संख्या में प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। आरोपी कुलदीप के 3 मकानों पर बुलडोजर चला है। 12 दिन पहले नगर पालिका ने घर पर चिपकाया था नोटिस। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में जो आरोपी है कुलदीप साहू, उसके मकान पर बुलडोजर चला है। उसके 3 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इमाम हसन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम, 3 घरों पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। बताया ये जा रहा है कि जो स्थानीय लोग थे, घर वाले थे, काफी विरोध भी किया। फिलहाल हालात क्या है, क्या स्थिति कंट्रोल में है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि 12 से 13 दिन पहले जो एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे की हत्या हुई थी, जिसने सूरजपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया था। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं हत्या के लेकर काफी नाराज थे। उन लोगों ने ये आरोपी मेरे पीछे देखते हैं, आरोपी कुलदीप साहू का जो ये घर है पुराना मस्जिद में, इसमें काफी तोड़फोड़ भी मचाई थी, इसमें आगजनी भी की थी। वहीं उस दौरान प्रशासन ने इसको रोका भी था। जो इनके घर के अंदर जो लोग थे उनको निकालकर बाहर भी लेके गए थे। उसके बाद लगातार इस घर को और जो अवैध निर्माण इनके शहर में है उनके तोड़ने का भी जो स्थानीय लोग हैं ये मांग कर रहे थे। और आज सुबह सुबह 6 बजे से ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और जो 3 टीमें बनाई है जो अलग अलग स्थानों पे अभी जो आरोपी मुख्य आरोपी जो कुलदीप साहू है उसके मकानों को जमींदोज करने का काम कर रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये जेसीबी लगी हुई है और जो आरोपी कुलदीप साहू का ये जो मकान पुराना में है लगभग यहाँ पर 2.5 डिसमिल में जो पट्टा है इस मकान का है, लेकिन जो बाकी जो करीब 20 डिसमिल में ये अवैध निर्माण था, जिसे प्रशासन ने यहाँ पर जमींदोज कर दिया है। नगर पालिका की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कबाड़ का सामान रखा हुआ था इसको अब नगर पालिका की गाड़ी जब्ती का भी यहाँ पर प्रकरण बना रही है। ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं, तहसीलदार कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आज जो कार्रवाई हुई है क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी जी ये देख सकते हैं, ये तहसीलदार से बता रहे हैं कि जो आरोपी कुलदीप साहू है उसने जो अवैध निर्माण था उस पर आज कार्रवाई हो रही है और शहर में जो 3 जगह पे जो निर्माण है उनके उस पर भी प्रशासनिक कार्रवाई जारी है यहाँ पर। जी, और देख सकते हैं जिसके लिहाज से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है ताकि कुछ स्थानीय लोग अगर कोई विरोधाभासी चीजें यहाँ पे आती है तो उससे निपटा जा सके। जी जी अब हम चाहेंगे आप आसपास वहाँ पर तस्वीरें और हमें दिखाएं, कुछ सारे लोगों से अगर बातचीत हो पाए, क्या लोग कह रहे हैं इस मामले को लेकर? ये देख सकते हैं ये कुलदीप साहू के परिवार के लोग भी यहाँ तो हैं, लेकिन वो क्योंकि प्रशासनिक अमला और पुलिस बल के लोग इतने मौजूद हैं इस पर वो ये कुछ अपना आपत्ति दर्ज नहीं करा पा रहे। स्थानीय लोग हमारे साथ कुछ है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, उससे कितने संतुष्ट हैं। जी, ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? किस तरह का कार्रवाई है? जी जी अच्छा। जी जी एवं बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर रखिएगा खबर पर। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।